हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, अभी मेहनत चालू कर दी है दोबारा से, फुल डेली व्लॉग्स बनाऊंगा, मतलब डेली नहीं, दो दिन में एक व्लॉग आएगा और एक व्लॉग आ गया है, आप देख लेना जाके। सो अभी सो के उठाऊँ, टाइम हो गया 9 बज गए और मौसम तो ठीक ठाक लग रहा है। अभी मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, धूप निकलती है पर इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं लगती है। बाकी पता नहीं, शायद मैं बाहर नहीं निकल रहा दिन में, इसलिए मुझे लग रहा है मौसम ठंडा होने लगा है, ठीक ठाक लग रहा है। ये देखो, ये मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट में बताना, किसी को पता है तो। मुझे लगता है ये अंदर की जो फैक्ट्री की हीट है वो बाहर निकालने का कुछ प्रोग्राम है, ये पता नहीं, समझ में नहीं, आई डोंट नो। आप लोग बता दिए ना, अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक है। सो बाकी देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। जब आप छोटे व्लॉगर होते हो ना, छोटे व्लॉगर, तो आप लोग क्या करते हो, व्यूज़ कैसे बढ़ाते हो अपने, देखो ये मैं खुद का ही व्लॉग मेरे फ़ोन में चल रहा है, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो। अब आप लोग तो सपोर्ट कर नहीं रहे हो, तो मैं अपनी दूसरी आईडी से व्लॉग देख रहा हूँ, ये किसी का कमेंट आया है, ठीक है। आप लोग भी देख लिया करो यार, देख लिया करो। बाकी ये देखो, नेहा का पता नहीं क्या प्रोग्राम रखा है, दूध है इसमें, मम्मी ये कुछ ड्राई फ्रूट्स का बना के गई थी, मुझे नहीं पता ये क्या है कुछ, ये डेली खाती है, हम सिर्फ देखते हैं। तो चलो अभी नेहा के लिए फ्रूट्स वगैरह काटने, सो काम पे लग जाते हैं, आराम बहुत हो गया। सो गाइज, ये देखो, ये हमारे टिफ़िन पैक हो गए हैं और आज मेड ने खाना बनाया, तो पूरा प्रॉपर खाना बनाया, देखो चावल सब्जी रोटी, ये मेरे टिफ़िन है, ये नेहा के टिफ़िन है, चावल सब्जी रोटी, ठीक है। और ये नेहा के फ्रूट्स हैं जो कि मैं काट रहा हूँ, सेब, और ये जो खाती है, बाकी ये इसकी लिमिटेड फ्रूट्स खाती है, ये राजमा बनाया है आज हमारी, राजमा बनाया है, तूने बनाया राजमा? मैंने बनाया, लेट हो गई थी ना राजमा मैंने बनाया। क्यों लेट क्यों हो गई? किसी की सुबह गई होंगी। तो बताया नहीं तूने कितने बजे आना है? बताया था मैंने तो उन्हें 8 बजे का टाइम दिया था, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो 7 बजे आ जाऊंगी। हाँ तो बोल देती 7 बजे, बोला था, फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा लेट हो जाएगा। चल ठीक है, वो शेक बना लेना, केले कब से रखे हैं यार, तो मैं रोज लेके आती हूँ, केले तुम खराब कर देते हो, ये दूध रखे सारे का बना लेना। सही तो है कि, अरे ये कैसे हो गए केले, अभी तो कह रहे हो गर्मी पड़ रही बहुत, ये ना ऑफिस जाने से पहले ना फ्रिज में रख देना, अभी गर्म है, इसका शेक नहीं बनाऊंगा, बीमार कर देगा ये, बीमार नहीं करेगा, गर्मी की वजह से ऐसे हो जाते हैं यार। चल तू जा, मेरे को काटने दे। हाँ सो गाइस, आ गए हैं ऑफिस और आज ऑफिस में कोई भी नहीं आया है, और ये बेकारी सुबह सुबह से पैसा मांगने चाहिए लगा। भाई पैसा नहीं मेरे पास, ये देखो अमीर ही देख रहे हो, यूं जेब से निकाल लेकिन गरीबों को मैं ही पाल रहा हूँ इस ऑफिस में, हैं अब एक कमीने। सो गाइस देखो, अभी ऑफिस में कोई भी नहीं आया, पहुंच भी नहीं पाते अगर हम ना होते, सारी सीट्स खाली है और हमारे सर लोग भी नहीं आए, सब खाली, इधर घुमाओ कैमरा, कल अगर हम ना होते शाम में तो तुम स्कूटी खींचते हुए ले जाते फिर, अच्छा पेट्रोल का पंगा था, समझ रहे हो। हाँ तो एक बात मुझे बताओ दीजिए आप, जब मैं सबको लिफ्टें दे रहा हूँ तो पेट्रोल डलवा दी, 100 रुपए कौन सी बड़ी बात है, बता पानी पी ले साले, वो पेट्रोल डलवाई तूने, उसके भी पैसे ले लिए तूने, तो क्या डलवाई तूने, हमने उसी डलवाया और कहाँ कहाँ घूम के दोबारा वापस घूम के गए हम, बता क्या बताऊं, तुलसी खा के तो देख बड़ा प्यार है, क्या है ये है पता नहीं, मेरे देख हाथ की खाल छूट रही है यार, देखियो, अरे कोड हो गया तेरे, कोड वाले कोड ही आदमी कोड नहीं हो गया भाई, ये डरती है हाथों की खाल, कभी छील के खानी पड़ेगी, पता नहीं क्या है, ऐसे खा लो इसको। हाँ सो गाइस, अपना लंच वंच हो गया है, खाना पीना खाने लगे हैं, और इनको देखो क्या देखो, ये क्या लाइट लाइट क्यों ऐसी हो रही है, जब उसकी बुआ आती है, क्या नाम है उसका, ओ ब्रह्मा जी, जैसे उसको देखता है, ब्रह्मा जी के पोज में लेटे हैं, जैसे उसको देखता है अस्सलाम भैया जी चचा, नहीं तुमने हमका शादी नहीं करनी थी तो हमें पहले बोल दिया।
बोला कैसी औरत है इतनी, तो मैं जो ईद पे सिपाहियां नहीं मरती जितनी ये औरत बट गई है। तो तुमने पहली वाली ड्रीम गर्ल देख ली? सेकंड, मैं पहले की डायलॉग मार रहा हूं। हां वो बोलता है जो बुलेट पे ठीक है। गाइस लंच में देख रहे हो यहाँ का माहौल क्या रहता है, सब ऐसी की दुनिया बनी होगी हर जगह। दिल कहता है कि उससे मिल, दिल कहता है कि उससे मिल, ये देख दिमाग कहता है कि ड्यूटी पे चल। हाँ जी, सो गाइस आ गए अपना ऑफिस से वापस घर पे, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बजने वाले हैं। नियाज थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि ऑफिस से निकलते टाइम आज उसको थोड़ा सा कैब मिलने में थोड़ा लग गया, मतलब कभी कभी क्या होता है ना गुड़गांव में, और आज मंडे है, मंडे को क्या रहता है कि थोड़ा रश ज़्यादा होता है और कैब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। थोड़ा नॉर्मल डेज में मिल जाती है आराम से कैब, पर मंडे ट्यूसडे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहती है कैब बुक करने में। सो अभी उसको टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया उसको कैब मिलने में। सो अभी वो निकली है, उसको आने में तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। सो आज मैं लेके आया हूँ भाई, ये दिखने में आपको समोसे छोटे छोटे से लग रहे होंगे, देखो मैं अगर अपने हाथ से दिखाऊँ ये देखो, पर ये मेरी ऑफिस के पास एक बहुत फेमस हमारे यहाँ समोसे जलेबी वाला है जो कि सिर्फ शाम को लगाता है 3 घंटे के लिए, बस सिर्फ 3 घंटे के लिए शाम को लगाता है। मतलब आप ये समझो शाम को 6 बजे से लगाता है वो, और 6 से लेके 3 घंटे जोड़ दो 9-10 बजे तक लगाता है, और उतने में भाई उसका सारा कुछ सब ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो गर्मा गर्म बना रहा था भाई, मेरा मन कर गया क्योंकि ऑफिस से निकलते निकलते टाइम भाई भूख लगती है बहुत गंदी। सो देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने कहा चलो ले के चलता हूँ। वैसे मैं फास्ट फूड ज़्यादा खाता नहीं हूँ, ना मैं नेहा के लिए लेके आता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है उसका, तो मैंने कहा अगर लेके जाऊँगा खुद के लिए भी तो वो भी खाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं लेके नहीं आता हूँ। लेकिन आज मन किया तो मैं ले आया, अभी मैं उससे बोला भी नहीं जा रहा, मेरा ध्यान उसी पर है कब स्टार्ट करूँ खाना। और बाकी ये इसकी ये ग्रीन वाली चटनी मस्त, पुदीने वुदीने वाली, धनिए वाली, मज़ा आता है। साथ में गर्मा गर्म कड़क कड़क वाली अपनी जलेबियाँ हैं। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, मेरे से बात हो नहीं रही है सही बताऊं तो। बाय बाय। आजकल के छपरी नंगे भगमंगे लड़के काला चश्मा लेके और सफेद शर्ट पहन के ये समझते हैं खुद को अपने आप को बड़ी बड़ी कोठी भगने वाली लड़की, इनको देख के बड़ी बड़ी कोठी भगने वाला लड़का समझती होंगी, पर ये सारे नंगे भगमंगे चप्पल चोर सुपरस्टार। हाँ जी, सो गाइस आ गए घर पर अपने और आराम से, अभी टाइम बज रहे 10, और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा हुआ नहीं कि कुछ बताता मैं आपको। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी गया, बहुत शेड्यूल बिजी था, टाइट था। बाकी कल की हमारी छुट्टी होनी चाहिए वैसे वीक ऑफ पर छुट्टी की नहीं ऑफिस वालों ने, बोल रहे हैं कि कल परसों की छुट्टी करेंगे जन्माष्टमी की, पर मुझे नहीं लगता जन्माष्टमी की छुट्टी करेंगे। सातों के सातों दिन काम करवा रहे हैं, वो है ना डायलॉग सनी देओल का, सातों को साथ मारूंगा, वही वाला सीन है। बाकी ये देख लो भाई आप लोग, 10:30 बजे का माहौल मेरे घर का बाहर, ये सीन है अपना। हाँ जी, सो गाइस करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड, और सारे लोग सो जाना, अभी टाइम 11:30 बज गए, खाना पीना खा के एकदम से मस्त सेट हो गए हैं। सो कल भी ऑफिस जाना है, लगातार एक हफ्ते से काम कर रहे हैं, फिर ऑफिस की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 7 तारीख को छुट्टी करेंगे, यानी कि कल, सॉरी परसों, तो देखते हैं करेंगे या नहीं करेंगे। सो बाकी लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, सो जाना। ब्लॉग अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक बटन पहले दबा दिया करो। सो बाय बाय, टेक केयर।